हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज, आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से ब्लू टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +40, एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +19, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +20, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जाएंगे हम ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो इसकी वैल्यू को हम +20 रखते हैं, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +15, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी कर देंगे -100, एंड इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कि तो गाइस, यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +12, एंड ऊपर से कर देंगे डन, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जाएंगे हम फोर्थ वाले ऑप्शन पे, जो कि है ग्लोबल का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे, एंड अपनी फिंगर की सहायता से इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को कुछ इस टाइप से फिंगर को स्लाइड करते हुए हम मिलाएंगे। जैसे मैं मिलाता हूँ, ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपनी फोटो में अपनी फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को मिलानी है। सो गाइस, मैं कोशिश करता हूँ परफेक्ट रूप से मिलाने का। तो गाइस, इसकी ह्यू है 203 एंड सेचुरेशन है 65, एंड यहाँ से क्या करेंगे हम सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ आने के बाद यहाँ से भी इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को हम थोड़ा मिलाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से भी इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को मिलाता हूँ। ठीक है, सो गाइस थोड़ा सा माइंडली है, लेकिन धीरे से करने से एक काफ़ी परफेक्ट हो सकती है। तो इसे रखता हूँ इसकी ह्यू को 241 एंड सेचुरेशन है 45। तो गाइस, यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को करता हूँ +24, एंड यहाँ से बैलेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी बैलेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +20, एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा ज़्यादा ही वाइट लग रही है। ठीक है, तो हम अपनी स्किन टोन को परफेक्ट रूप से सही करेंगे। तो उसके लिए फिर से जाएंगे हम मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे, एंड यहाँ आने के बाद यहाँ से ऑरेंज कलर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो इसे रखते हैं -21, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो इसे रखते हैं +14। तो गाइस, अब हमारी स्किन टोन सही है। ठीक है, एंड ऊपर से कर देंगे डन, एंड नेक्स्ट जाएंगे हम लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से हाईलाइट की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हाईलाइट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -20, एंड यहाँ से ब्लैक्स की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। तो इसे रखते हैं -10, एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +20, एंड यहाँ से वीनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -40, एंड यहाँ से मीड पॉइंट की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, मीड पॉइंट की वैल्यू को यहाँ से करता हूँ 25, एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो फेदर की वैल्यू को यहाँ से करता हूँ 75। तो गाइस क्या करेंगे, हमारी जो मिड पॉइंट की वैल्यू है इसे हम
इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो लगभग इसे मैं रखता हूँ 74, ठीक है। अब जाके जो हमारी फोटो की लाइटिंग है सही लग रही है। एंड नेक्स्ट जाएंगे हम डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें थोड़ा सा शाइनिंग है, ठीक है। तो इसे रखते हैं 10। एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो गाइस इससे जो हमारी फोटो है फटती नहीं, स्मूथ होती है, ठीक है। तो इसे रखते हैं 10। एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन, तो गाइस इसकी वैल्यू को भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी बैकग्राउंड पे जो भी कलर से रिलेटेड एरिया है वो भी परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे, ठीक है। तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर ऐसी। सो गाइस आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को ये एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।